हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हैं। SST ऑलरेडी इतना लेंथी था, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि 9th में आकर अब ये इकोनॉमिक्स एक और चीज़ ऐड हो गई है। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि डोंट टेक इट एज अ वेरी सीरियस और वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लाइक इकोनॉमिक्स इन 9th क्लास यू टेक इट जस्ट एज अ रीडिंग और एन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी तो इतने बड़े आप लोग हो गए हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कुछ बेसिक सी चीज़ें समझने की, जानने की, अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश की इकोनॉमी के बारे में। हर कोई चाहता है कि हमारे देश की इकोनॉमी आगे जाए, हमारे देश में डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट इकोनॉमी बढ़ेगी बाय द इंडिविजुअल एफर्ट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग समझ सकें हाउ यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने नहीं आएगा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या आपको ऐसा लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू पीपल मस्ट नो अबाउट कि हम कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकते हैं। विद दिस इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, या हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दे आर एंगेज्ड इन 3 काइंड ऑफ वर्क और 3 काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सब सिर्फ 3 ही तरह के काम कर रहे हैं, एंड दे वी कैन कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी इन विच वी प्रोड्यूस द रॉ मटीरियल, एंड एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी। अनदर वन इज द सेकेंडरी एक्टिविटी इन विच रॉ मटीरियल इज कन्वर्टेड इन टू द यूजेबल प्रोडक्ट, एंड इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड लास्ट वन इज द टर्शरी एक्टिविटी इन विच वी प्रोवाइड वेरियस अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। सो दे आर द टर्शरी एक्टिविटीज। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज करने की, बढ़ाने की, देन यू ऑल नो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री। हमारी कंट्री में मोर देन 70% पॉपुलेशन दे आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो अगर हम बात करेंगे कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट चैप्टर विद द एग्रीकल्चर और विद द कंडीशन ऑफ द विलेज। तो आपका चैप्टर नंबर 1, इट इज द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज, एंड बाय दैट इमेजिनरी विलेज यू पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर, द देयर इम्प्रूवमेंट एरियाज, कहाँ से किस तरह से दे गेट देयर फर्टिलाइजर सीड्स, कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेयर द फार्मर, वेयर द विलेजेस आर इवन लैकिंग एंड दे नीड मोर डेवलपमेंट। तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले इस प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान देना होगा। तो इस चैप्टर में बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, एंड आई नो कि आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि लाइक यू विल बी अवेयर कि ये चीजें तो हमें पता थी। नाउ दिस इज अबाउट फार्मिंग, एज आई टोल्ड यू इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर, एंड सेवरल अदर एक्टिविटी दे आर बिजी, फार्मर आर बिजी इन फार्मिंग, लेकिन कुछ छोटी मोटी दूसरी चीजें, थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, सम अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो प्रैक्टाइज्ड बाय द पीपल ऑफ द पालमपुर। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, ऑलवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट अ नोट ऑन विलेज पालमपुर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। दिस कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन पालमपुर। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन।
रायगंज एक बड़ा सा गांव विच इज जस्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पालमपुर एंड इट इज कनेक्टेड बाय ऑल वेदर रोड एंड पालमपुर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ द शाहपुर. इसके अलावा देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट विजिबल ऑन द रोड. अगर हम गांव की बात करते हैं देन दिस विलेज इज हैविंग 450 फैमिलीज एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कास्ट 80 अपर कास्ट फैमिली एंड सम अदर आर द लोअर कास्ट फैमिली. SC दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लाइक शेड्यूल कास्ट जैसे आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है दे आर लिविंग एट द कॉर्नर ऑफ द विलेज. उनके घरों को अलग से बनाया गया था. इलेक्ट्रिसिटी पावर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन केम अर्ली इन द पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पालमपुर में आ गई थी और बेसिकली उनके फील्ड में जितने भी ट्यूबवेल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं. देर आर मैनी स्मॉल बिजनेस इन विच दे आर ऑल्सो यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक पीपल आर ट्रीटेड. तो आई थिंक यू पीपल कैन वेरी वेल विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर इफ इट इज आस्क्ड राइट अ नोट ऑन द विलेज पालमपुर. आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आई फील कि अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इकोनॉमिक्स को समझने में नहीं आने वाली है. वाई अगेन वी आर रीडिंग द इकोनॉमिक्स बिकॉज वी आर टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड वी आर रीडिंग अबाउट द एग्रीकल्चर बिकॉज अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. It is about the organization of the production. What is the aim of the production? Production हम किस लिए करते हैं and what are the main requirement? अगर हम agricultural में production करने जा रहे हैं तो what we require? हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है. I think you all can answer what is the aim of the production. Aim of the production is to produce goods and services. जो हमें चाहिए that we produce. एंड वॉट इज द रिक्वायरमेंट. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है. तो फर्स्ट वी रिक्वायर्ड द लैंड. सबसे पहले हमें लैंड चाहिए. सेकेंड वी रिक्वायर्ड द लेबर द पीपल हु विल वर्क. थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इज द मनी. कैपिटल मीन्स मनी. फिजिकल कैपिटल को 2 में डिवाइड किया गया है. द वन इज द वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड इज द फिक्स्ड कैपिटल. एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम. फिक्स्ड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आपने एक बार कर दिया लाइक यू परचेज द मशीन टूल एंड एनी अदर नेसेसरी आइटम इट इज कॉल्ड एज एन फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल दैट इज द मनी इन हैंड. कुछ ना कुछ मनी आपको हाथ में हमेशा रखनी पड़ती है. मनी इन हैंड वो चाहे आपको लेबर्स को सैलरी देनी है या आपको ट्रांसपोर्ट के लिए या जो भी आपने प्रोड्यूस किया इसको स्टोर करने के लिए जो मनी इन हैंड आपको रखनी पड़ती है इट इज कॉल्ड एज एन वर्किंग कैपिटल. एंड वॉट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट. फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द ह्यूमन इज यू. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. अगर आप टेक्निकली डेवलप्ड नहीं होंगे इफ यू आर नॉट नॉलेजिएबल तो यू विल नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड. यू विल नॉट बीन एबल टू कंबाइन ऑल दीज नेसेसरी आइटम. तो इसके बिना आपके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है. तो आई एम अगेन मेकिंग यू क्लियर वॉट इज द एम ऑफ द प्रोडक्शन. एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड वॉट आर द मेन रिक्वायरमेंट. क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन वी नीड द लैंड. वी रिक्वायर्ड लेबर. वी रिक्वायर्ड फिजिकल कैपिटल विच इज डिवाइडेड इन टू 2 फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. एंड फोर्थ इज यू. ह्यूमन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. एंड दिस क्वेश्चन अगेन दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम. What is the aim of the production and what are its main factors? तो ये question आपका. अभी तक हम लोगों ने 2 question discuss किए हैं. Write a note on village Palampur and second, what is the aim of the production and what are its main requirements? This question is always asked in 5 marks during your exam.
नाउ एज बहुत इजी चैप्टर है, बार बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा रही हूं, बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको यहां तक क्लियर है तो इस चैप्टर में आगे जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट यू विल रीड अबाउट द कंडीशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, यू विल रीड अबाउट द कंडीशन ऑफ लेबर इन पालमपुर, यू विल रीड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल कैपिटल इन पालमपुर, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ पालमपुर, यू पीपल विल रीड दैट हाउ ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. और तो दैट मीन्स यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि चैप्टर आगे भी, अभी तक जितना इंटरेस्टिंग था आगे भी उतना इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाला है. यहां पर कोई भी कंसेप्ट इतना टफ नहीं आएगा कि आपको लगे कि ये क्या नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, एसएसटी और लेंथी हो गई है. सो दिस ऑल इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट. आपको चीजों को समझना है, बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू आर द इंपॉर्टेंट वन जिनको कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है. सो गुड बाय एंड वेट फॉर द सेकेंड वीडियो इन विच वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द लैंड, कंडीशन ऑफ लैंड इन पालमपुर.